हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं? कम उम्र में ही बालों का सफ़ेद होना शुरू हो गया है, बालों की लंबाई रुक गई है, बाल बिल्कुल ख़राब और गंजेपन का खतरा लगता है। आप बिल्कुल परेशान हैं कि आपके बालों के साथ क्या हो रहा है? तो ये सब फ्रेंड्स आपके गलत खानपान, बदलते मौसम, बालों में ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट लगाने से आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं। तो आज जिस रेमेडी के बारे में मैं बताऊंगी वो आपके बालों की सभी समस्याओं को दूर कर देगा, बालों को घना, मोटा, मजबूत बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेमेडी। यहाँ पर मैं रेमेडी मेथी दाना से तैयार करूँगी। मेथी दाना हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो 2 से 3 चम्मच मेथी दाना को रात भर पानी में भिंगोकर छोड़ दीजिए और सुबह इस मेथी से हम हेयर पैक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो मेथी दाना है बिल्कुल भी भींग गया है, बिल्कुल फुल चुका है और इसके जो पानी है इसको मैं एज ए टोनर इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले किसी भी स्प्रे बोतल में इस वाटर को हम भर लेंगे और इसे बालों में अप्लाई करेंगे एज ए टॉनिक के रूप में। तो ये काफ़ी अच्छा टोनर होता है, हमें बालों में मजबूती लाता है, शाइनिंग लाता है। तो मेथी दाना से हमारे 2 काम होते हैं, टोनर भी बन जाता है और हमारे हेयर पैक भी हम इससे तैयार करेंगे। यह बालों में गजब का शाइनिंग लाता है। तो सबसे पहले इसके पानी को हम टोनर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, फिर जो ये हमारा मेथी दाना है इसे हम हेयर पैक मास्क बनाएंगे, बालों के लिए हेयर पैक तैयार करेंगे। तो ये एलोवेरा जेल, सबसे पहले फ्रेश एलोवेरा जेल का उपयोग करिए। 2 से 3 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल हम जार में डाल देंगे मेथी के साथ और 1 विटामिन ई की कैप्सूल मिला देंगे। किसी भी पिन से वगैरह से आप इसे विटामिन ई की कैप्सूल को निकाल लीजिए। अब इसे हम मिला देते हैं इसमें और 1 चम्मच शहद डाल देंगे। मेथी दाना में एलोवेरा जेल, शहद, विटामिन ई की कैप्सूल और जो टोनर हमने बनाया था वो थोड़ा सा मिलाकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। हमारा 48 घंटे के लिए लाइट चली गई थी इसलिए मुझे सिलबट्टे पे पीसना पड़ा, लेकिन मैंने ये पेस्ट बना लिया है और इसे थोड़ा सा सूखा हो गया है, इसे आपको बिल्कुल गीला करना है। तो इसमें मैं दही मिलाकर अपने बालों में अप्लाई करूँगी। तो इस तरह आप भी पेस्ट तैयार करिए।